Welcome to Borail News. Woman arrested for link with Dima Hasao. Police on Monday early morning arrested one woman for allegedly keeping link with militant outfit Dimasa National Liberation Army DNLA. The woman was identified as Dipali Hapila, woman Congress leader of Dima Hasao. She was arrested on the basis the DNLA earlier on 14 declared 36-hour ban in demand of Hirimbaraji State or Dimaraji in 6 districts of Assam. However, it didn't affect any district except Dima Hasao, as the district administration didn't take any initiative to curb the ban. Following the arrest, Dima Hasao BJP appeals the public not to support such unlawful activities and also urged the militants to surrender and join the mainstream. विकास के लिए शांति रहना, शांतिपूर्ण वातावरण रहना ये बात जरूरी है और महोत्सव के सभी पसंदा ये बात जानते हैं और बाकी आप यही रहे हैं कि जब से हमारा सरकार आया है हर जगह हमने जितने भी मसले थे उनको हल करने का प्रयास किया है। आप कश्मीर को ही उदाहरण से ले लीजिए, सरकार ने वो उचित कदम उठाया और कश्मीर भी देश के अलग हिस्सों के साथ विकास के और अग्रसर हो रहे हैं। और यहाँ तक कि जैसे मीडिया में हमने न्यूज देखा है कि कुछ विरोधी पक्ष के विरोधी दल के सभानेत्री ऐसा कुछ पद पर दृष्टि उनका नाम कुछ आया है, कल जो वहाँ पर जैसे मीडिया पर हमने दिखाई दिया कुछ घटना हुआ है। हालांकि वो घटना भी पुलिस कार्रवाई कर रही है तो मैं ऐसा घटना की निंदा करता हूँ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ही हम एक समाज के अंदर समाज पर हम रहते हैं तो समाज के एक दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता हम बनाते एक समाज के समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है। और कोई अगर आज के युवा, आज के जो वर्तमान के युवा अगर कोई सही रास्ते से भटक जाए तो उनको भी सही रास्ते पर, उनको सही दिशा दिखाने में हमारा कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि हिंसा का पथ छोड़कर आप शांति के पथ अपनाइए। और जैसे कि सरकार के दृष्टिकोण है, अगर किसी का मांगे हैं तो वो खुले हम आकर बात कर सकते हैं। तो यही मैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से, जिले के युवाओं से मैं अपील करूँगा कि आप अपनी शांति बरकरार रखिए और शांति से ही हमारा जो लक्ष्य है अपने जिले को एक असम पर एक टॉप जिला के नाम से अधिष्ठित करना, ये शायद हम इसी पथ पर चलकर ही हम इसको काम कर सकें। धन्यवाद। और आगे की जो विषय है वो हमारे जिले के माननीय अध्यक्ष और हमारे साथी प्रवक्ता तथा ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री रखेंगे। धन्यवाद। बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यानी जो अपना विरोधियों के उपसेवा में से जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट के लिए और हम लोग का जो ये सोशल ये बहुत मतलब हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य है क्योंकि काफी सालों बाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जिला में ऐसे शांति आए हैं और शांति के साथ साथ थोड़ा बहुत पहले का कंपेयर में हम लोग का जो यहाँ का डेवलपमेंटल वर्क्स कोई भी हो, कोई भी इन लाइक एजुकेशन फील्ड हो या दूसरा डेवलपमेंट हो, रोज के बाद हो या कोई भी
सारा दूसरा दूसरा फील्ड में भी हम लोग का बहुत पहले का कंपेयर से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ और हम लोग का ये बहुत जरूरी होता है कि अपना इलाका पे अपना डिस्ट्रिक्ट पे एक शांति बनाए रहे, तब जाकर के यही जो डेवलपमेंट का जो है वह आगे जाकर के बहुत दूसरा डिस्ट्रिक्ट जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट के साथ में हम लोग कम्पीट कर सकेगा। लेकिन बहुत दुख का बात यह कहना पड़ रहा है कि कुछ हम लोग का जो विरोधियों का कुछ सदस्य जुड़ा हुआ है, ये सुन करके ये बहुत दुख का साथ कहना पड़ रहा है। ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम लोग बेइंग या पॉलिटिकल पार्टी लोगों को समाज को आगे जितना हो सके हम लोग उसको रास्ता दिखाना है, लेकिन उसके जगह में उकसाना ये अच्छा बात नहीं हमको ऐसा लगता है। जैसे कि पहले देखा है डीएनएसएफ, डीएनएसएफ कहां से फॉर्म हुआ था? डीएनएसएफ हम लोग का स्वर्गीय जिसलाम ठाकुर जी का समय में हुआ था। अब यहां पर आकर ये देखता है कि निर्मल लांठासर जी का लीडरशिप में अभी यहां पर फिर से डीएनएलए हो या ऐसे कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ मिल मिला होकर ऐसे लगता है। जैसे अभी का जो रिसेंटली आज का जो घटना है, तो ये एक तरफ से कोई भी हो ये आगे जाकर के हम लोग के लिए सब डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत लॉस होने वाला है। इसलिए मैं तो दोनों को मैं अपील करना चाहूंगा, दोनों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग अभी जो भाई लोग अभी जंगल में हैं, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आगे मेन स्ट्रीम में आकर के जो भी है उसको देखे थे हम लोग उसको कैसे जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग भी डिस्कस करने के लिए रेडी है। आगे जो भी मैसेज देना है हम लोग स्टेट सेंट्रल को भी मैसेज देने को भी रेडी है। उस हिसाब से उन लोग को भी रिक्वेस्ट है कि ये जो आर्म्स लेकर के जो चला है वो रख करके जो मेन स्ट्रीम में आकर के उन लोग से भी रिक्वेस्ट है। सबके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उन लोग का भी जो लोग अभी उधर है उन लोग का भी भाई बहन जो है हुआ उनका भी माए बाप होगा, परिवार होगा, तो शायद उनका भी बहुत मन में दुख है होगा। अभी भाई बहन साथ में नहीं है तो उन लोग का भी बहुत कहीं ना कहीं कुछ तो टेंशन में होगा। तो उन लोग का परिवार के तरफ से भी हम उन लोग को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेन स्ट्रीम में आकर के और जिला का शांति के और जिला का डेवलपमेंट को सोच करके आगे आने से बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ ये जो जो ओपोजिशन है, मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि जितना सके उसको समझाने के लिए कोशिश करना है, मेन स्ट्रीम में लेके आने को कोशिश करना है। कहीं ना कहीं किसी को फंसाना, किसी को क्या करना, वो सब लाइन में नहीं जा करके एक से एक यहाँ पर कितना है हम लोग का यहाँ जनसंख्या ज्यादा भी ऐसे भी ज्यादा है ही नहीं। एक तरह से बोलने से मुश्किल से 1.5-2 लाख है, 1.5-2 लाख में से अगर हम लोग ऐसे एक के साथ एक ये पॉलिटिकल फायदा के लिए अगर ऐसे रिवेंस मूड में अगर ऐसे चलेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस हम लोग का ही डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। तो उन लोग से भी अपील है कि ऐसे नहीं होना है। आगे जो पहले जैसे नाटा से जो बोके गया था, जो गुटी बुके गया, वही आकर के कितना बड़ा हुआ और वही प्रॉब्लम लेकर के हम लोग सौ फत अदा भी नहीं है। कुछ अभी कुछ साल हम लोग शांति में हैं और यही शांति फिर अगर ऐसे चलेंगे तो फिर ये फिर अशांति फिर शुरू हो जाएंगे। अशांति होने से तो किसी का भी अच्छा नहीं होगा, यहाँ का जो बसिंदा है सबको भी प्रॉब्लम में आएगा और ये बसिंदा लोगों का प्रॉब्लम के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट का जो अभी चल रहा है वही चीज आगे जाकर के प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए मैं जो खास करके जो ओपोजिशन लोग हैं उन लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे गलत नीतियां ना अपनाए, अपना जो है नीट एंड क्लीन और जैसे देश को कैसे आगे ले जाना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को कैसे आगे ले जाना है, उसे कंस्ट्रक्टिव लाइन में
देख करके अपना पॉलिटिक्स भी करना चाहिए। ऐसे गंदा पॉलिटिक्स करने से कहीं ना कहीं हम लोग सबके ही वश है, इसलिए ऐसा नहीं होने से अच्छा है। अब उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा दोबारा ऐसा ना हो, और जितना हो सके अभी जो लोग हैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना है। ऑपोजिशन से भी मैं कहता हूँ कि हम लोग भी है, और अब ज्वेली सबको भी मेन स्ट्रीम में लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करने से अच्छा है। ऐसे छोटा सा आप सबके सामने में मेरा जो विचार है, अब मेरा विचार प्रकट किया है तो कुछ और मेरा इतनी है। सबको नमस्कार। इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला विंग का वाइस प्रेसिडेंट दी महासभा की श्रीमती दीपाली हापिला, अभी फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस सुना है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का भी अरेस्ट हुआ है फॉर इन्वॉल्वमेंट विद आर्म कैडर्स। सो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आप लोग सब मालूम है, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको भी प्रेस देंगे। बट इट इज डीपली शॉकिंग एंड वेरी वेरी सैड कि एक नेशनल पार्टी एक ओपोजिशन का नाते में रह के भी इतना नीचे चुका हुआ है। मेरा डिस्ट्रिक्ट सभापति बीजेपी ने बोला है वही बात है। हम लोग का जो बीजेपी स्पेशली दिमाग साहब के सेटअप है, काउंसिल है, बहुत एलिगेशन होता है। हम लोग एक्स कैडर का भी इलेक्टेड आदमी है, ये सब एलिगेशन है। हम लोग के दादागिरी आज के दिन में सवाल उठता है कौन क्या हो रहा है लेवल। दुख के बाद दिन है और शॉकिंग के बाद है। तो जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम लोग तो करेंगे, पर हम लोग इस सिचुएशन शांति कौन लेके आया है वो तो अभी दूध का दूध पानी का पानी है। भाजपा सरकार ने कोशिश पूरा है कि कम्युनल क्लैश भी ना हो, या हम लोग का जो आम जो मूवमेंट वाले ग्रुप भाई सब बैठे सॉल्व करे, इतना कि इस साल के 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे में अल्फा ग्रुप इतना साल से उन लोग आज तक बंद भी नहीं करा है, और टॉक्स में या टॉक्स होना कुछ दरवाजा खुला हुआ है। बहुत दुख की बात है कि एक नंबर समाज के सोसाइटी के जो यहाँ के बहुत लीडर था पिछले एक समय में उनका खुद पार्टी के लिए भी था वो खुद, तो वो अपना पॉलिटिकल पोजिशन इधर पार्टी छोड़ता है ये पार्टी छोड़ता पता नहीं डायरेक्शन टिकट मिलो, पर वो इस लेवल तक अगर पहुंच गया अरेस्ट हुआ तो पुलिस अथॉरिटी तो कुछ बिना सबूत तो कुछ तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। पर एक तरफ में एज अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड ऑल्सो एज अ मेंबर ऑफ अ सिटीजन ऑफ दिमाशा बहुत दुख लगता है, शॉकिंग लगता है इतना। तो इसलिए टोटली फर्स्टली कंडेम, एंड जैसा मेरा प्रेसिडेंट करा है अपील करता है कि ये समाज के आखिरी लोग नेता लोग इतना तक ना करें, क्योंकि शांति के साथ ही प्रगति होता है। तो उसी साथ ही साथ में उनका जो भी भाई डिसग्रंटेड हो, हम उनके सबका कुछ ना कुछ तो उनका दुख है, कुछ हम लोग का गर्व है, हम लोग का डिमांड है। उसमें कोई कोई हम लोग संविधान के दिन जाके हम लोग कुछ कुछ रास्ता उठाते हैं, पर उसके लिए सब रास्ता है। आज के दिन में मेरा ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ के अटोनस का एक समय में वो भी वुमन था, बट जो भी है पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम के भी जो कांग्रेस का टाइम से टाइम हुआ था, फिर अभी फुल इम्प्लीमेंटेशन अभी बीजेपी सरकार के अंदर में भी हो रहा है। पॉलिसी वेदर इज कांग्रेस और नॉट इज डायलॉग, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में इज डायलॉग। उसको बहुत दुख लगा है कि अभी हम लोग का जो मिसगाइडेड भाई लोग बोलता है हम लोग उठा है उसको इसी रास्ता टॉक्स का रास्ता में ना लेके उल्टा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सपोर्ट हो रहा है अपना निंदा तो हम लोग नहीं बोल सकेंगे, बट इट इज वेरी वेरी कंडेमफुल, इट मीन्स टू कंडेम दिस काइंड ऑफ थिंग। साथ ही साथ इट इज शेमफुल ऑल्सो, हम बोलेंगे इतना लेवल में हम लोग का ऑपोजिशन पार्टी भी दबा है। उसके साथ साथ अभी तो दूध का दूध पानी है, हम लोग तो लॉ के साथ भाजपा पार्टी और ऑटोनोमस काउंसिल तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू द लीगल लॉ के हम लोग बार बार करा है ना। तो हम लोग का तो ऐसा हो गया स्पेशली बीजेपी का काउंसिल मेंबर्स को हर 3 महीना हर 4 महीना हम लोग कानूनी तोड़ता है, हम लोग को अरेस्ट होने वाला है।
अभी भी सुना था बाजार में 2-3 दिन पहले, 1-2 महीना में हमारा सीएम साहब अरेस्ट होने वाला है। तो ये सब चल के क्या हुआ है? दूध का दूध पानी पे पानी होना है। उस साथ ही साथ मेरा बुजुर्ग माननीय सभापति फाइनेंस हाउसिंग जी ने बोला है, इट इज आवर सिंसियर रिक्वेस्ट एंड अपील, सब कानून में प्रस्ताव विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत महान है, बहुत अकोमोडेटिव है, अमेंडमेंट भी हो सकता है। हम लोग एक माइनॉरिटी जगह जो पहाड़ी जिला के लोग भी हम लोग के लिए डायलॉग कितना करता है, उसके साथ साथ जो अभी का बीजेपी पार्टी का आवलोक भी एक क्लियर बात है कि सबके साथ सबके विकास को एक इंक्लूड्स एवरीबॉडी। आज तक अल्फा से बात कर सकेंगे तो आप बात नहीं, तो हम लोग का डीएनएल भाई लोग के साथ क्यों बात नहीं थी, तो वो बात ये है। तो आज के दिन में हम भी साथ ही साथ कंडेमिंग वेरी शेमफुल लेवल्स और कांग्रेस का एक सीनियर लीडर उसने जो किया है उसको रॉन्गफुल बात बोलेंगे, और साथ ही साथ में एक अपील है, वी शुड ऑलवेज इन द एंगेज इन डायलॉग, उसमें सोल्यूशन है, कोई बोली से खत्म नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है, वायलेंस से सोल्यूशन नहीं होता है, ये भारत में सोल्यूशन होता है बातचीत और प्लान और अग्रीमेंट के साथ, वो सेम होगा।